सबको पता है, गदर फिल्म से जुड़े ये दो किरदार की प्रेम कहानी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। गदर टॉप 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्मों में से एक है। 2001 में ये फिल्म 4.86 बिलियन कमाया था और बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का किताब भी मिला था। इस मूवी के गाने भी काफी पसंद किए गए थे और वो ऑलमोस्ट 25 बिलियन कॉपीज बिकी थी इस मूवी के एल्बम की। हम आपको बता दें कि अब शायद गदर 2 भी आने वाली है। गदर के निर्माता ने कहा है कि ऑडियंस उनसे अब गदर 2 की मांग कर रही है। तो गदर 2 की क्या हो सकती है स्टोरी लाइन? गदर के निर्माता अनिल शर्मा कह रहे हैं, जैसे सीक्वल्स में कहानी यूजुअली चेंज कर दी जाती है, वो गदर 2 में नहीं होगा। और ये भी आपको हम बता दें कि दोस्तों, ये फिल्म तारा सिंह यानी सनी देओल और सकीना यानी अमीषा पटेल के बेटे जीत के साथ उनकी आगे की कहानी बताएगी। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वाली बात हो। बॉलीवुड में रिलीज हुई काफी फिल्मों में और वेब सीरीज में ये इंडिया पाकिस्तान के मसलों को लेकर दिखाया जाता है, चाहे वो वीर ज़ारा जैसी लव स्टोरी हो या उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक रिलेटेड कंटेंट। अब तो पाकिस्तान भी एक वेब सीरीज रिलीज कर रहा है इस मुद्दे पर, जिसका नाम है धूप की दीवार, जो जल्दी अवेलेबल होगी Z5 पे। ये सीरीज इस बात पर गौर करेगी कि क्या अमन और शांति से दो देशों के लोग साथ में नहीं रह सकते, मगर क्या ऑडियंस फिर से ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई देखना चाहेगी? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। जैसे कि हमने कई दफा कहा है कि ऑडियंस इवॉल्व कर रही है, तो इसलिए गदर के कुछ सीन्स जो है शायद गदर 2 में रेफरेंस ना हो और शायद प्लॉट जो है वो थोड़ा और सॉफ्ट बने। गदर की प्लॉट जो है वो पाकिस्तान के वक्त बनी थी और नेचुरली काफी अग्रेसिव है, लेकिन पार्टीशन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में ना रखते हुए बहुत से लोग इसे हिंदू मुस्लिम के भेदभाव का एक माध्यम बना रहे हैं और नो डाउट वो सफल भी हो रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। गदर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के बावजूद भी मुस्लिम्स को एक नेगेटिव शेड में दर्शाती है। कैसे मुस्लिम्स के हाथों दूसरे मुस्लिम को जलील होते एक सिख ने बचाया, ये दिखाया गया है। मुस्लिम्स कितने क्रूअल होते हैं दर्शाया गया है। मुस्लिम्स इक्वल्स टू पाकिस्तान इक्वल्स टू हेट, यही लॉजिक आज तक काफी सारी फिल्मों में दिखाया गया है और इंडिया के सेक्युलरिज्म को थ्रेट कर रही है। तो लोग यहाँ पे एक सॉफ्टर और एक प्यार भरा प्लॉट देखना पसंद करेंगे। लोग सकीना और तारा में पाकिस्तान और इंडिया के यूनिफिकेशन देख चुके हैं, लेकिन अब वो जीत, सकीना और तारा के बेटे, उसमें पाकिस्तान या इंडिया नहीं बल्कि ऑडियंस एक प्यार से पला बड़ा एक मुकम्मल इंसान को देखना पसंद करेंगे, जो मोहब्बत की बोली बोलता है। तो कब हो रही है रिलीज गदर 2? फिल्म के निर्माता अनिल शर्मा ने यह कहा है कि गदर 2 जैसी फिल्मों की सीक्वल में काफी मेहनत लगती है, तो जब उनको सही स्टोरी मिलेगी तो वो जरूर गदर 2 बनाएंगे। तो गदर 2 के रिलीज के लिए कितना एक्साइटेड है आप, हमें बताइएगा जरूर। और फिल्म वर्ल्ड से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ।